हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल एंड यू आर वाचिंग गेट लाइफ साइंस सीरीज। तो इस सीरीज में हम बात कर रहे थे स्टेनिंग के बारे में। स्टेनिंग में भी हमने देख लिया था कि ग्राम स्टेनिंग क्या होता है। इससे पहले हमने सेल वॉल के बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा माइक्रोस्कोपी क्या है, हमने देखा डाई और स्टेन में क्या अंतर है। इस लेक्चर में हम पर्टिकुलर पढ़ेंगे जीन एंसर स्टेन मेथड क्या होता है, क्यों इसको एसिड फास्टनेस स्टेनिंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है, और क्यों इसको हॉट स्टेनिंग, याद रखना इसको हॉट स्टेनिंग के नाम से भी इसी को जाना जाता है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री के बारे में कि इसकी क्या हिस्ट्री है। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच ने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम का बैक्टीरिया डिस्कवर किया था। बट जो उन्होंने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए जो स्टेन का यूज किया था, जो मेथड अपनाया था, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, ठीक है। उस कॉम्प्लिकेटेड को दूर करने के लिए उसी समय एक साइंटिस्ट आए, एहरलिक। एहरलिक ने एक अपना अलग सा मेथड दिया, ठीक है। वो भी क्या काम करता था, वो भी एसिड फास्ट जो बैक्टीरिया होते हैं, बात करेंगे एसिड फास्ट बैक्टीरिया किनको बोला जाता है, एसिड फास्ट बैक्टीरिया को कलर करने के लिए, स्टेन करने के लिए उन्होंने भी एक मेथड दिया था। किसने? एहरलिक ने। एहरलिक ने भी मेथड दिया था, ठीक है। बट वो मेथड भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था और थोड़ा अनरिलायबल था, ठीक है। तो उस मेथड को और अच्छे से देने के लिए झील तथा नीलसन ने, झील और नीलसन ने किसके मेथड को अपनाया था? एहलिक के मेथड को। एहलिक के मेथड को झील और नीलसन ने अच्छे से प्रेजेंट किया। उन्होंने कार्बन 15 इसमें ऐड की, बेसिक 15 उन्होंने ऐड की, ठीक है, जिसके कारण एसिड फास्ट बैक्टीरिया उनको इज लेवल डिटेक्ट हुए, ठीक है। अब इसमें एसिड फास्ट बैक्टीरिया क्या होते हैं? ऐसे बैक्टीरिया जो एसिड फास्ट प्रॉपर्टी रखते हैं उनको बोला जाता है एसिड फास्ट बैक्टीरिया। अब एसिड फास्ट क्या होता है? एसिड फास्टनेस क्या होता है कि एसिड इनफेक्टिव ऑन प्राइमरी स्टेन और ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या मतलब है? जब हम एसिड का यूज करते हैं, जब हम एसिड का यूज करते हैं किसी भी बैक्टीरिया को डिक्लराइज करने के लिए, याद रखना एसिड किस लिए यूज होता है? डिक्लराइज के लिए। जब हम एसिड का यूज करते हैं किसी भी बैक्टीरिया को डिक्लराइज करने के लिए, तो जो एसिड है वो उस बैक्टीरिया को डिक्लराइज नहीं कर पाता। इस प्रॉपर्टी को, बैक्टीरिया की इस प्रॉपर्टी को हम बैक्टीरिया की एसिड फास्टनेस प्रॉपर्टी बोल देते हैं, ठीक है। अब इसके एक तो हमारा जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया है उसको स्टेन करने के लिए जीन लेंसन स्टेन या फिर एसिड फास्ट स्टेनिंग किसे भी कर सकते हैं। लेकिन अब हमारा क्या है कि जीन लेंसन स्टेन के अलावा भी हमारे और भी काफी सारे मेथड होते हैं, जैसे किनियोन मेथड। किनियोन मेथड को हम कोल्ड मेथड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जीन लेंसन ने क्या काम करता है? हीट फिक्सेशन कराता, बट किनियोन ने कोल्ड कोल्ड फिक्स किया था, इसलिए इसको कोल्ड मेथड के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा मेथड हमारा आता है ट्रोंट मेथड, याद रखना ट्रोंट मेथड। इसमें एक्रेडाइन डाई यूज करते हैं, फ्लोरोक्रोम हमारा डाई यूज करते हैं, जिसको अलग से यूवी यूवी माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, ठीक है। बट हमको यहाँ पर क्या काम करना है, हमको ना ये पढ़ना है ना ये पढ़ना है, हमें सिंपल जीन नेल्सन स्टेन मेथड पढ़ना है। बट याद रखना है किनियोन तथा ट्रोंट मेथड का भी यूज हम एसिड फास्ट स्टेनिंग में करते हैं, ठीक है। अब कुछ एसिड फास्ट बैक्टीरिया के एग्जाम्पल क्या होते हैं? AFV का मतलब होता है एसिड फास्ट बैक्टीरिया। एसिड फास्ट बैक्टीरिया के एग्जाम्पल क्या होते हैं? माइकोबैक्टीरियम, याद रखना माइकोबैक्टीरियम स्पीसीज में काफी सारी स्पीसीज आती हैं, जैसे कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो रॉबर्ट कोच ने डिस्कवर की थी, माइकोबैक्टीरियम लेप्रेसी, इसके अलावा नोकार्डिया की स्पीसीज आती हैं, कुछ सिस्ट होती हैं जैसे आइसोस्पोरा की सिस्ट हो गई, ठीक है। दे हैव हाई कंटेंट ऑफ माइकोलिक एसिड इन देयर सेल वॉल। ये जितने भी एसिड फास्ट बैक्टीरिया होते हैं ये अपने सेल वॉल में हाई कंटेंट ऑफ माइकोलिक एसिड, ठीक है, माइकोलिक एसिड रखते हैं, जिसके कारण कि जो इनमें हाई कंटेंट ऑफ लिपिड पाया जाता है, लिपिड प्लस अल्कोहल हाई कंटेंट में पाया जाता है, याद रखना, ठीक है। जिसके कारण इनकी जो सेल वॉल होती है बहुत ज्यादा रिजिड होती है, ठीक है, कठोर होती है। अब ये तो रहा इसकी हिस्ट्री के बारे में कि एसिड फास्ट बैक्टीरिया क्या होते हैं, ठीक है, किसने डिस्कवर किया, किसके लिए होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे जीन नेल्सन मेथड क्या है, या फिर इसकी स्टेनिंग किस प्रकार से की जाती है, या फिर एसिड फास्ट स्टेनिंग हम किस प्रकार से करते हैं। तो इसका मेथड देख लेते हैं। मेथड में हमें क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट होगी? सबसे पहले हमें एक ग्लास की स्लाइड चाहिए, ठीक है, ग्लव्स चाहिए, फोर्सेप चाहिए, वंसन बर्नर चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए और इमर्सन ऑयल हमको चाहिए, ठीक है। कुछ हमें स्टेन भी चाहिए, जैसे कि प्राइमरी स्टेन। प्राइमरी स्टेन हमारा, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता रखा है कि
कि प्राइमरी स्टेन क्या होता है, मोर्डेंट क्या होता है, डिकलराइजर क्या होता है, काउंटर स्टेन क्या होता है। तो इसमें हमें तीन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। प्राइमरी कलर याद रखना, एसिड फास्ट स्टेनिंग में हमें तीन तीन स्टेन की जरूरत पड़ती है, एक प्राइमरी कलर, एक डिकलराइजर और काउंटर स्टेन। तो जो इसमें हमारा प्राइमरी स्टेन होता है वो होता है कार्बल फ्यूसिन, याद रखना कार्बल फ्यूसिन। कार्बल फ्यूसिन में बेसिकली जो होता है बेसिक फ्यूसिन और फिनोल, याद रखना जो फिनोल होता है, फिनोल क्या काम करता है, जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया होते हैं जो उनकी सेल वॉल होती है उसमें पेनिट्रेशन करने की क्षमता रखता है, यानी पेनिट्रेट कौन कराता है, वो फिनोल करवाता है, याद रखना ठीक है। और डिक्लराइजर में हम किस चीज का यूज करते हैं, डिक्लराइजर में हम यूज करते हैं एससीएल प्लस इथाइल एल्कोहल, एससीएल प्लस इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल आपका 95% पे होना चाहिए, या फिर हम इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड का भी यूज करते हैं ठीक है, वो 20% भी, सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो 20% भी यूज होता है हमारा, वो 5% भी यूज होता है। अलग अलग बैक्टीरिया के लिए अलग अलग कंसंट्रेशन रहती है डिक्लराइजर की, याद रखना इस बात को। काउंटर स्टेन में हम मिथाइलिन ब्लू का यूज करते हैं या फिर हम मेलाकाइट ग्रीन का भी यूज करते हैं, जी हाँ मेलाकाइट ग्रीन का यूज, याद रखना। जो कार्बन फ्यूसिन होता है वो हमारा रेड और पिंक कलर का होता है, याद रखना कार्बन फ्यूसिन हमारा रेड और पिंक कलर का होता है, जबकि जो मिथाइलिन ब्लू है जैसे इसके इसका नाम बता रहा है ये ब्लू कलर का होता है, और मेलाकाइट ग्रीन हमारा ग्रीन कलर का होता है। इसी के अकॉर्डिंग इसके रिजल्ट शो होते हैं, आपको जब मैं रिजल्ट बताऊंगा इसके तो आपको कुछ भी अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको इसी से सॉल्व हो जाएगा। अब इसका प्रोसीजर देख लेते हैं कि प्रोसीजर कैसा होता है। तो सबसे पहले तो हम एक क्लीन ऑयली फ्री और ड्राई स्लाइड लेंगे ठीक है, ग्लास स्लाइड। अब इस ग्लास स्लाइड में अब डिपेंड करता है, याद रखना, अब हम स्टेनिंग कहाँ से कर रहे हैं। स्टेनिंग करने के लिए हमारे पास जो सैंपल होता है, याद रखना जो हमारे पास सैंपल होता है वो हमारा स्पोटम हो सकता है, वो हमारा ब्लड हो सकता है, वो हमारी पस हो सकते हैं, वो हमारा कल्चर ब्रोथ हो सकता है, वो हमारा कल्चर सस्पेंशन हो सकता है। माइक्रोबायोलॉजी लैब में कल्चर ब्रोथ, कल्चर सस्पेंशन इन चीज का यूज किया जाता है, जबकि जो लैब होती है पैथोलॉजी लैब होती है वहां पर मोस्टली जो यूज होता है वो स्पोटम का यूज किया जाता है, जबकि जो काफी बड़ी बड़ी लैब होती है उनमें क्या काम होता है, उनमें ब्लड का भी यूज करते हैं ठीक है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के आइडेंटिफिकेशन और उसके फाइंडिंग के लिए ठीक है। तो मान के चलो हम यहाँ पर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को खोज रहे हैं ठीक है, जो हम पैथोलॉजी में करते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सैंपल हमारा कैसा होगा, स्पोटम ठीक है, स्पोटम लिया जाता है हमारा। अब स्पोटम के अलावा भी हम क्या क्या ले सकते हैं, हम ब्लड ले सकते हैं ठीक है, कल्चर सस्पेंशन ले सकते हैं, सस्पेंशन या फिर कल्चर ब्रोथ को यूज करते हैं। जो कल्चर ब्रोथ होता है वो याद रखना जो हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है, जो उसका सेलेक्टिव मीडिया मीडिया होता है वो एल्जी मीडिया के नाम से जाना जाता है ठीक है। तो ये तो रही सैंपल की बात। अब मान लो हमने सैंपल लिया, हमने स्पोटम लिया, स्पोटम ने जो बलगम होता है, स्पोटम को बलगम भी बोल देते हैं ठीक है। जो हमारा स्पोटम है हमने स्लाइड पर हम स्पोटम लेंगे, स्पोटम लेने के बाद उसकी स्मेयर बनाएंगे ठीक है, प्रिपेयर्ड स्मेयर। स्मेयर थिन होनी चाहिए आपकी, थिक नहीं होनी चाहिए, थिन स्मेयर होनी चाहिए ठीक है। स्मेयर बनाने के बाद हम उसको हीट फिक्स करेंगे, याद रखना स्मेयर बनाने के बाद हम क्या करेंगे, हम हीट फिक्स करेंगे। हीट फिक्स करने के बाद हम अप्लाई कार्बन फ्यूसिन, यानी कि जो प्राइमरी डाई है हमारी, प्राइमरी स्टेन है कार्बन फ्यूसिन, वो हम यूज करेंगे। इसमें आपको बात याद रखने वाली बात होगी कि डायरेक्ट फ्लेम विदाउट बॉइलिंग, इसका मतलब क्या है, जब हमने स्लाइड पर कार्बन फ्यूसिन ऐड कर दिए हैं तो उसको हम फ्लेम पर डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट फ्लेम पर रखेंगे ठीक है। बट हमको याद रखना है जो हमारी कार्बन फ्यूसिन है वो बॉइल ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं टाइम टू टाइम उस पर कार्बन फ्यूसिन के ड्रॉप ऐड करते रहते हैं। ये हमको कम से कम 5 से 10 मिनट तक हीट फिक्स करनी है, वो भी डायरेक्ट फ्लेम के कॉन्टैक्ट में ठीक है। और उसके बाद जब हमारी वो स्लाइड प्रिपेयर्ड हो जाएगी, कार्बन फ्यूशन उसमें ऐड हो जाएगा, 5 से 10 मिनट का हम उसका टाइम देंगे, फिर हम उसको वॉश कर लेंगे, याद रखना वॉश हम टैप वाटर से भी कर सकते हैं और प्योरीफाइड वाटर से भी वॉश कर सकते हैं। इसके बाद यूज करेंगे हम डिक्लराइजर, याद रखना ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि अगर हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस
यानी कि अगर हम टीवी के बैक्टीरिया के लिए कर रहे हैं तो इसमें हम करेंगे 20% सल्फ्यूरिक एसिड का यूज, सल्फ्यूरिक एसिड का यूज। बट अगर हम माइकोबैक्टीरियम लेप्रेसी, याद रखना माइकोबैक्टीरियम लेप्रेसी के लिए यूज कर रहे हैं, तो ये 5% ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड का हम यूज करेंगे एज ए डिक्लराइजर। फिर यूज करने के बाद याद रखना ये हमारा 5 to 10 मिनट, ठीक है, और जो हमारा डिक्लराइजर है वो 30 सेकेंड के लिए यूज हम करते हैं, 30 सेकंड। इसके बाद हम इसको टैप वाटर से वॉश कर देंगे। टैप वाटर से वॉश करने के बाद हम इस पर अप्लाई करेंगे काउंटर स्टेन। काउंटर स्टेन मैंने आपको बताया था कि मैथिलीन ब्लू हो सकता है या फिर मेलाकाइट ग्रीन हो सकता है। याद रखना जो मैथिलीन ब्लू होता है इसको हम 1 to 2 मिनट, 1 to 2 मिनट अप्लाई करते हैं, जबकि जो हमारा मेलाकाइट ग्रीन होता है इसको हम 1 मिनट, इसको हम 1 मिनट के लिए यूज करते हैं। इसके बाद क्या काम करेंगे हम, इसको फिर दोबारा से स्लाइड को अपनी वॉश कर देंगे। वॉश करने के बाद उस स्लाइड को ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद उसको हम माइक्रोस्कोप में ऑयल इमर्सन की हेल्प से बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बैक्टीरिया को देख सकते हैं। अब इसमें हमें रिजल्ट क्या मिलेंगे, रिजल्ट देख लेते हैं, ठीक है। तो रिजल्ट जो हमारे रहेंगे, जो हमारे एसिड फास्ट बैक्टीरिया होंगे, एसिड फास्ट बैक्टीरिया, या फिर मान लो हमारे पास जो माइकोबैक्टीरियम होगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होगा, माइकोबैक्टीरियम वो कैसे कलर का चमकेगा, वो हमको चमकेगा रेड और पिंक। जबकि जो हमारा नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया होगा वो हमको किस कलर का चमकेगा, वो हमको चमकेगा ब्लू अगर हम यूज कर रहे हैं मिथाइलिन ब्लू। अगर हम यूज कर रहे हैं मेलाकाइट ग्रीन तो वो बैक्टीरिया हमको कैसे कलर का चमकेगा, ग्रीन। इस बात को आप याद रखना। अब ये क्यों ऐसे, इसके पीछे की मैकेनिज्म क्या है, थोड़ा सा मैकेनिज्म समझो। मैकेनिज्म ये है कि जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया होते हैं उनके उनके पास डिक्लराइजर यानी कि एसिड फास्टनेस की प्रॉपर्टी होती है। तो जब हमने उनमें उन पे प्राइमरी स्टेन का ऐड किया, जो हमारा एसिड फास्ट बैक्टीरिया है, जब हमने उस पर जो हमारा प्राइमरी स्टेन है कार्बन फ्यूसिन, जब हमने उस पर ऐड किया तो कार्बन फ्यूसिन अब उसकी सेल वॉल में जा करके वहाँ पर ऐड हो गया है, वहाँ पर जा करके हमारा स्थिर हो गया है। इसके बाद जब हम डीकलराइजर का यूज करेंगे तो वो डीकलराइजर उस प्राइमरी डाई को वहाँ से रिमूव नहीं कर पाता, जबकि जो अदर बैक्टीरिया होंगे उनमें क्या होगा, जो कार्बन फ्यूसिन वहाँ पर जा करके ऐड हुआ है वो डीकलराइजर की सहायता से वहाँ से रिमूव हो जाएगा। बट एसिड फास्ट बैक्टीरिया में जो हमारा प्राइमरी स्टेन है वो वहां से रिमूव नहीं होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, काउंटर स्टेन का यूज करते हैं नंबर थर्ड पे। तो जो हमारे एसिड फास्ट बैक्टीरिया है तो ऑलरेडी हमारे स्टेन हो रखे हैं कार्बन फ्यूशन से, जिसका कलर रेड है, ठीक है। जबकि जो हमारे अनादर नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया है वे क्या होगा, वे तो डिकलराइजर से हमारा डिकलराइज होगा यानी कलर फ्री होगा। तो अब जब हम उन पर काउंटर स्टेन का यूज करेंगे, जैसे मिथाइलिन ब्लू, तो वे मिथाइलिन ब्लू करा तो ब्लू कलर के हो जाएंगे, जबकि जो मेलाकाइट ग्रीन है अगर हम मेलाकाइट ग्रीन का यूज करेंगे तो वे ग्रीन हो जाएंगे। तो अब इसमें क्या समझ में आया कि जो हमारे एसिड फास्ट स्टेनिंग बैक्टीरिया है, एसिड फास्ट स्टेनिंग बैक्टीरिया है, वे हमारा कौन सा स्टेन रखते हैं, वे कार्बन फ्यूसिन स्टेन रखते हैं। याद रखना जो हमारे नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया वे मिथाइलिन ब्लू को रखते हैं, इसलिए वे कलर कैसा देते हैं, ब्लू। अगर मेलाकाइट ग्रीन का यूज करते हैं तो वे कैसा कलर देते हैं, हमारा ग्रीन कलर का। तो आई होप एसिड फास्ट स्टेनिंग आपके समझ में आया होगा। अगर आपके एसिड फास्ट स्टेनिंग समझ में आया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।